नया प्यार। जी हाँ दोस्तों, अक्षरा सिंह ने कर दिया है खुलासा अपने नए प्यार का। जाने कैसा है उनका नया प्यार, अक्षरा सिंह ने दिल से किया है खुलासा। पूरा वीडियो आपके लिए है, तो वीडियो देखें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना। पलक झपकते भोजपुरी के सारा खबर पहुंच जाए रउआ तक, राउर अपन चैनल भोजपुरी स्टार ट्यूब। अगर देखो तानी तो सोची मौत, जाके कर दी सब्सक्राइब, घंटा के आइकन के दू हाली जरूर दबा देव, सब खबर फ्री में पहुंची रउआ तक। जो अक्षरा सिंह एक बार धोखा खा जाने के बाद उन्हें लगता था जहां पवन सिंह उन्हें धोखा दे रहे हैं, और वह काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ से दुखी भी थी, और वह हमेशा कहती थी कि वह अब किसी से भी प्यार नहीं करेगी, उनके ज़िंदगी में अब प्यार की अहमियत ही ख़त्म हो गई है। लेकिन जितना प्यार वह पवन सिंह से करती थी, जैसे उन्होंने पवन सिंह के लिए फीलिंग दिया था, जैसे वो पवन सिंह के लिए चाहती थी, शायद वह फिर से उनका प्यार, नया नया प्यार वापस उनकी ज़िंदगी में लौट आया है। आज सुबह सुबह अक्षरा सिंह ने अपने इंस्टाग्राम पर काफ़ी बड़ा खुलासा किया। जी हाँ, बता दें कि अक्षरा सिंह ने अपने सबसे प्यारे बाबू के साथ अपने प्यार का खुलासा कर दिया है। आप उनके इंस्टाग्राम और फेसबुक पे देख सकते हैं, उन्हें ढेर सारी बधाइयाँ मिल रही हैं, और अक्षरा सिंह और विशाल की जोड़ी को लोग खूब पसंद करें। यह वही विशाल है जिसे अक्षरा सिंह प्यार से बाबू कहती हैं, और बाबू और अक्षरा सिंह तो कितने बार कितने बड़े बड़े धमाके कर चुके हैं, लेकिन इस बार अक्षरा सिंह के फैंस के ये काफी बड़ी खुशखबरी है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो पवन सिंह के फैंस काफी ज्यादा इस बात से दुखी होंगे, क्योंकि पवन सिंह के फैंस चाहते थे कि फिर से पवन सिंह और अक्षरा सिंह की जोड़ी वापस आ जाए, लेकिन शायद अब ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि अक्षरा सिंह ने रिवील कर दिया अपना नया प्यार और लिखा है कि फॉर एवर, मतलब वो अब अपने बाबू के साथ पूरी ज़िंदगी बिताना चाहती है। और हम यही कहेंगे कि जैसे पवन सिंह अपने लाइफ में अपनी पत्नी ज्योति सिंह के साथ खुश है, वैसे ही अक्षरा सिंह भी अपने बाबू यानी विशाल सिंह के साथ वैसे ही खुश रहे हैं, और ऐसे ही आगे बढ़ती रहे। भोजपुरी को आगे बढ़ाने में पवन सिंह और अक्षरा ने जितनी मेहनत की है, भगवान करे कि वह अपने रियल लाइफ में भी उतनी आगे बढ़े। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करते हैं।